ना डॉक्टर ने मारी सहायता करी श्री राम जी महाराज यानी भगवान है का आशीर्वाद दिया सा हां भगवान ने चश्मा चढ़ाया मन वासर राशन दियो नी और यहां को उम्र लगाओ राम जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं बुहाना का जो लास्ट का जो अपने झुंझुनू का बॉर्डर है सोहली गांव। आपको पता ही होगा यहां पर काफी नुकसान हो चुका है, प्रशासन पहुंचा है लेकिन काफी दिनों बाद में। लेकिन पिलानी से निर्देशक बिरला हॉस्पिटल के मधुसूदन मालानी यहां पर पहले भी आ चुके हैं और आज भी आए हैं यहां पर गांव अपनी जो जनसेवा है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। चश्मे और कुछ और भी वितरित कर रहे हैं यहां पर, तो वह अभी देखते हैं बातचीत करते हैं यहां गांव वालों से कि आखिर क्या सुविधाएं उनके द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि प्रशासन द्वारा इतनी दिनों बाद में यहां पर कलेक्टर साहब का पहुंचना ये एक चिंता का विषय है। अभी तक ये कोई प्रशासन से कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई है, कितने दिनों बाद मिल पाती है वो देखने वाली बात रहेगी। सर आज क्या प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर सोहली गांव के अंदर? जैसे यहाँ पर पहले भी सरकारी जो कलेक्टर साहब अपने झुंझुनू जिले के वो भी आ चुके हैं, सांसद है वो भी आ चुके हैं। तो 3 अगस्त को हमने यहाँ पे आए थे, जब हमको एक सूचना मिली कि यहाँ पे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हो गई थी, जब 6 फुट तक ऐसा कहते हैं पानी भर गया था। तो 3 अगस्त को हमने यहाँ पे निशुल्क रूप से स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें कई गांव वालों को जो सर्दी खांसी इत्यादि बीमारियाँ हैं उसके लिए जाँच की, उनको दवाइयाँ प्रदान की। साथ ही जो अभी जैसे जो बरसात का पानी जम गया था उससे मच्छर पैदा हुए थे, तो हमने पूरे गाँव में सरपंच साहब के साथ फॉगिंग भी आई है कि ताकि सारे मच्छरों पे काबू हम पा सके। और आज हमने, क्योंकि पिछली बार हम गए थे तो हमने देखा कि अनाज की खूब नाश हुआ था, तो हमने आज ये निर्णय लिया कि हम कुछ राशन के किट्स हर घर में बांटे, साथ में जो लोगों के चश्मे भी खो गए थे ऐसा सुनने में आया था नदी के ये पानी के प्रभाव में, तो उनको भी हमने चश्मे प्रदान किए। सर क्या लगता है कि आपको कि इनको राशन किट की जरूरत थी क्या? तो देखिए, हम 3 तारीख को जब हम आए थे तो हम व्यक्तिगत रूप से देखा था कि कई लोगों के जो गोदाम थे, जैसे यहाँ पे एक कहते हैं कि काफ़ी धनाढ्य व्यक्ति भी थे जिनके जो दान पुण्य काफ़ी करते थे, उनके भी घर का सारा अनाज हमने हाथ लगा के देखा पूरा गीला हो गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था। तो देखिए, अन्य तो सबको ज़रूरत होती है, तो आप ज़रूरत थी या नहीं है बोल नहीं सकते, तो अनाज तो सबको जीने के लिए आवश्यक है। सर जैसे देखा जाए तो अभी सरकारी सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, हम तो भाई निजी तौर पर जो हमसे होगा वो हम कर रहे हैं और हमारा तो जनसेवा का जो संकल्प है वो हम पूर्ण करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये कार्य कर रहे हैं। और जी चश्मा वश्मा मिला क्या आपको? मिला जी, मैं भूल गए थे। और क्या मिला आपको? एक थैली मिली और सामान मिली। और सरकार की ओर से भी कुछ सुविधाएं मिली है क्या? ना कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। सरपंच साहब ने कुछ करवाया? सरपंच साहब आए सब आए आएगा सरपंच में कहता है सरपंच न्याय आया होगा। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है? कुछ नहीं मिला मेरे को। भाजी आपको क्या यहाँ से क्या मिला है? ये चश्मा मिला। पता है क्या किसने दिया है, कौन है? सेठों ने दिया होगा ना डॉक्टर? सेठों ने जी। माता जी क्या आपको मिला है, क्या सुविधाएं मिली है जो पिलानी से डॉक्टर साहब आए हुए हैं यहाँ पर? गैल राशन मिले थे और ये चश्मा मिला। चश्मा मिली है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार आ नहीं रही है, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है? सरकार सुविधा देगी तो ले लेंगे। और इनको क्या कहना चाहेंगे जो अपने स्तर पर ये सुविधाएं कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, बिरला हॉस्पिटल के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं? इन्हें धन्यवाद दे दें। और क्या करना बताओ। बिल्कुल सहायता। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? जी, इन भाइयों से हमको चश्मा व खाने की सामग्री मिली है, इन सब भाइयों को धन्यवाद। सरकार से हमको कोई भी सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जी, यहाँ डॉक्टर ने हमारी सहायता करी श्री राम जी महाराज यानी भगवान है का आशीर्वाद दिया सा हाँ भगवान ने चश्मा चढ़ाया मन वासर राशन दियो नी और यहाँ को उम्र लगाओ राम जी महाराज बतने को। बिल्कुल बिल्कुल, उम्र लगाओ और सारो और जो हमारे गांव की सहायता करे, सहायता करे श्री राम जी महाराज। भगवान ने बना रखा कि दे बनाई रखो राम जी। बोल भाई बोल रखो। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे गांव में आके इन्होंने 2-3 बार इन्होंने आकर गांव का समाज का जैसा भी इनकी हेल्प होती थी वैसी इन्होंने की है और अभी भी इन्होंने पूरी सहायता गांव में चश्मे बांटना अनाज का बहुत सहयोग कर रहे हैं। हम इनको बहुत बहुत ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार भी जी अपने स्तर पर काम तो कर ही रही है,
कल अपने कलेक्टर साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने अपने स्तर पे पटवारियों जो को निर्देश दिए हैं कि भाई जो भी है भरपाई जमीन की है और खेतों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, अनाज का नुकसान हुआ है, वो जो भी जैसी रिपोर्ट पटवारी साहब को बोला है उसी हिसाब से निर्देश दे के गए हैं और वो अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब का हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं, इन्होंने अपनी पहल छोटी सी पहल करके ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आपने ये हालात तो देख लिया होगा हमारे घरों की, सब कुछ हमारा बर्बाद हो चुका है। प्रशासन आया है लेकिन वो विश्वास देख के गया है मिलेगा या नहीं मिलेगा। घरों में चार चार फुट पानी के निशान पड़े हैं, आपको दिख रहे हैं। देखो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कितना क्या नुकसान हो गया? नुकसान तो साहब मेरा तो ये 20 क्विंटल तो गेहूँ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। दो कमरों में ये 40-50 मिनट तूड़ी थी, ये भी ख़त्म हो गई। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखे पंखे सब बर्बाद हो गए हैं। बचा सामान कुछ भी नहीं है हमारे पास। खेतों में भी कुछ नुकसान हो गया? हाँ, खेती भी बिल्कुल बर्बाद हो गई साहब। कहीं गड्ढे पड़ गए, कहीं मिट्टी चढ़ गई, कहीं पानी खड़ा है अभी। कल कलेक्टर साहब आए थे क्या? कलेक्टर साहब ने तो जी आश्वासन कुछ भी नहीं दिया। वो तो गाड़ी के में बैठ के ना और रेकी जो करके जरूर गए हैं, लेकिन वो पटवारी को बोल के गया था कि भाई आप इस खेती की घरों की सर्वे करके ना ऑनलाइन करवाओ। अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो जी आगे की बात। कोई सहायता मिल रही है क्या? ये भामाशाह वाले आ रहे हैं जी, ये सूरजगढ़ से भी आए हैं, आज ये पिलानी से भी आ रहे हैं। ये एक थैली देके जाते, किट देके जाते जो बोलते हैं, ये तो मिला हमें। जो 30 तारीख को बाढ़ का ये कहर जो टूटा था उसमें हमारा तो पूरा तो घर का हो गया ख़त्म, और अनाज खाने के लिए अनाज भी नहीं रहा। भैंसों का चारा था वो भी पानी के अंदर बह गया। जो मकान थे उसके अंदर भी दरारें आ गई। फर्नीचर जो भी कपड़े लत्ते थे वो सब पानी के अंदर बह चुका है। और सरकार से जी देखो ये भामाशाह वाले आए थे सूरजगढ़ से सेठ लोग, वो हमारे खाने के लिए किट दे के गए थे, राशन पानी पूरा पूरा। उनका हम तो धन्यवाद करते हैं कि जो समय के ऊपर आकर के हमने वो संभाला। और कल कलेक्टर साहब आए थे जो एक हफ्ते बाद में जो आकर के वो बोल के गए हैं पटवारी से कि मकानों की सर्वे करो, खेती की जो भी नुकसान हुआ उनकी सर्वे करके हमें रिपोर्ट भिजवाएं। और जो ये डॉक्टर मधुसूदन मलानी जो पिलानी से बिरला ग्रुप से, उन्होंने भी एक दिन अपना कैंप लगाया गांव में, दवाई छिड़काव किया। तो हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि ये जो अनाज की बदबू इतनी हो रही थी इससे बीमारी फैल रही थी, कि हम तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे फफूंद लग रही है जी इसमें, ये फूल भरा रहा जी, सोमवार के आसपास तोड़ा भाई, सब खराब हो गया। हाँ सब खराब हो गया। 30 क्विंटल गेहूँ लिए थे, मतलब टंकी ऐसे फट गई जैसे कुछ था ही नहीं। क्या क्या नुकसान हो गया आपका जी? हमारा गेहूँ भी और तोड़ा भी, और जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वेटर, सब मोटरसाइकिल, घर, घर में तो पानी पड़ता है। ऐसी चीज घर में कुछ नहीं बची जी जो मतलब हम उसको सुरक्षित लेके जा सकते हैं। घर में पूरा सामान इन्होंने तो मतलब भाग के ना तो बच्चों को बहुत मुश्किल से बचाया, कंधों पे बैठा बैठा के बच्चों को बाहर लेके गए हैं। उसमें नुकसान बहुत हुआ है जी, संदूक का कपड़ा भी, एक टाइम की रोटी भी नहीं बची, पड़ोसियों के जाके 3 दिन 4 दिन 3 दिन सारा खाना बाहर खाया।